राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी अपनी YouTube चैनल भारत वही सोचने में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कई कन्फ्यूजन्स दूर करने वाला हूं, जो कि अक्सर आप लोगों के मन में रहते हैं किसी भी लोकोमोटिव की हॉर्स पावर, ट्रैक्टिव एफर्ट या फिर उसके वेट को लेकर। दोस्तों, मैंने कई कंपैरिजन वीडियोस बनाए और आगे भी हमारी चैनल पे कई इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं, जिन्हें आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और आप लोगों को वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हो। जैसे दोस्तों, किसी कंपैरिजन वीडियो में जो लोकोमोटिव की हॉर्स पावर है वो सेम होगी तब भी उसका ट्रैक्टिव एफर्ट ज़्यादा होगा, तो किसी वीडियो में लोकोमोटिव की हॉर्स पावर ज़्यादा होगी तो भी उसका ट्रैक्टिव एफर्ट कम होगा। तो दोस्तों, आप लोग यहीं कन्फ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले हम आप लोगों का थोड़ा ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हॉर्स पावर और ट्रैक्टिव एफर्ट की बात कर ले। दोस्तों, मैं वीडियो में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, ना ही फिजिक्स की कोई फॉर्मूला या फिर कोई स्टडी मटेरियल आपके सामने रखूँगा। बस मैं आप लोगों को एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये हॉर्स पावर और जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट या फिर टॉर्क के बारे में, तो ट्रैक्टिव एफर्ट वो फोर्स है जो हम किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे हमारे लोकोमोटिव के एग्जाम्पल में देखें तो उसके व्हील्स। दोस्तों, लोकोमोटिव चलने के लिए अपने व्हील को घुमाने के लिए जो भी ताकत लगाएगा उससे हम ट्रैक्टिव एफर्ट कहेंगे, और इसीलिए ही दोस्तों शायद इसे ट्विस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो व्हील्स हैं वो ट्विस्ट ही हो रहे हैं। जैसे कि व्हील्स घूमेंगे ऐसे ही लोकोमोटिव हमारा चलेगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को हॉर्स पावर एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप लोगों को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, तो दोस्तों वो आप अपना जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो लगा कर कितनी देर में तय करेंगे, ये जो है वो हॉर्स पावर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हॉर्स पावर ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा जल्दी तय करेंगे, अगर आपकी हॉर्स पावर कम होगी तो आप उतने ही ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ वो जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे तय करेंगे। वैसे दोस्तों, जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स और कार्स, इनमें शाफ्ट जो मेन डीजल इंजन से कनेक्टेड होता है उससे इनके व्हील्स तक पावर और ट्रैक्टिव एफर्ट पहुँच जाता है। लेकिन लोकोमोटिव का केस अलग है, यहाँ पर कोई शाफ्ट नहीं होता है। दोस्तों, एक लोकोमोटिव में जो डीजल इंजन होता है वो एक जनरेटर की तरह काम करता है और व्हील्स को चलाने का काम इनकी ट्रैक्शन मोटर्स करती है, जो कि ट्रैक्टिव एफर्ट और हॉर्स पावर जनरेट करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोकोमोटिव है उसमें हम इनके ट्रैक्शन मोटर्स पर भी डिपेंडेंट रहते हैं इनके डीजल इंजन के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो एकदम क्लियर हो गई कि किसी भी लोकोमोटिव को ट्रैक्टिव एफर्ट और हॉर्स पावर प्रदान करने का जो काम है वो इनकी ट्रैक्शन मोटर्स करती है, ना ही किसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रांसफार्मर, ना ही किसी डीजल लोकोमोटिव का डीजल इंजन। दोस्तों, ये तो सिर्फ इन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग अब सोच रहे होंगे कि फिर डीजल लोकोमोटिव में डीजल इंजन का काम ही क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना। नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है जैसा मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि वेट से भी जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर के मुकाबले डीजल लोकोमोटिव का जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा भारी होता है, और इसी की वजह से जो है डीजल इंजन ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर पाते हैं। अब दोस्तों, वेट ज़्यादा मतलब टॉर्क भी ज़्यादा, तो वो दोस्तों कोई स्पेशल टर्म नहीं है, वो तो मतलब एकदम हम कहें ना लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो हमें उस लोकोमोटिव को जल्दी चलाने के लिए टॉर्क भी ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। इसलिए लोकोमोटिव्स अपने वेट के हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं, कि अगर कोई लोकोमोटिव ज़्यादा वेट का है तो उसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, कम ट्रैक्टिव एफर्ट रखेंगे तो वो जो लोकोमोटिव है वो रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर पाएगा और वो फेल कहलाया जाएगा। दोस्तों, इस पॉइंट पर से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर किसी भी लोकोमोटिव का वेट ज़्यादा है तो उसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, मगर हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी लोकोमोटिव का वेट कम है तो उसका ट्रैक्टिव एफर्ट कम होगा, क्योंकि दोस्तों जो ट्रैक्टिव एफर्ट और किसी भी लोकोमोटिव की हॉर्स पावर है वो उसके ट्रैक्शन मोटर्स पर भी डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप लोग अब भी कन्फ्यूजन में हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आगे और 3-4 एग्जाम्पल दे के मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आखिर वेट, ट्रैक्टिव एफर्ट और हॉर्स पावर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों, अभी तो आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल ही गया होगा कि आखिर एक लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव एफर्ट उसकी खींचने की शक्ति है, फिर वो चाहे उसे खुद को खींचना हो या फिर उसके पीछे लगे किसी भी पैसेंजर या फिर गुड्स रेक को।
और जो हॉर्स पावर है वो ये डिसाइडिंग फैक्टर है दोस्तों कि वो लोकोमोटिव अपना ट्रैक्टिव एफर्ट लगाकर अगर उसे कहीं पर भी जाना है तो वो कितनी देर में पहुंचेगा, या फिर एक तरीके से कह लीजिए दोस्तों जो हॉर्स पावर है वो उस लोकोमोटिव को एक्सीलरेशन में मदद करेगा। अगर हॉर्स पावर ज़्यादा हुई तो वो लोकोमोटिव कहीं पर भी जा रहा है वहाँ एकदम जल्दी से पहुँच जाएगा, और अगर हॉर्स पावर कम हुई तो वो धीरे धीरे पहुँचेगा दोस्तों। तो जैसे ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट किसी भी लोकोमोटिव को ज़्यादा पावरफुल बनाता है, वैसे ही अब आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हॉर्स पावर किसी भी भारी से भारी लोकोमोटिव को थोड़ा बेटर एक्सीलरेशन प्रदान करेगी। अगर एक उदाहरण ले तो दोस्तों WDG6G और WDG5 ये दोनों का ही ट्रैक्टिव एफर्ट 570 और 560 किलो न्यूटन है। अगर हम इन दोनों ही ट्रैक्टिव एफर्ट को एक राउंड फिगर मान ले दोस्तों, और WDG6G और WDG5 के ट्रैक्टिव एफर्ट को हम 550 किलो न्यूटन पे फिक्स कर दे, और दोस्तों फिर हम इन दोनों ही लोकोमोटिव्स को एक जैसे 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रख के इनके बीच में रेस करवाते हैं, तो दोस्तों WDG6G आराम से जीत जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसकी जो 500 HP ज़्यादा है WDG5 से, वो इसके वेट को कंपनसेट करने में मदद करेगी और इसे थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों इस एग्जांपल पे से आप लोग अपने मन में ज़रूर से एक बात गांठ बांध ले कि जो ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट है वो लोकोमोटिव को ज़्यादा ताकत प्रदान करेगा, वहीं ज़्यादा हॉर्स पावर किसी भी लोकोमोटिव को बेटर एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। अब दोस्तों अगर हम ऐसा केस लेते हैं WDG4D और WDP4D का, जिसमें कि जो हॉर्स पावर है वो सेम है लेकिन इनके ट्रैक्टिव एफर्ट्स में डिफरेंस है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम दोनों ही लोकोमोटिव्स को 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पे रेस करवाते हैं तो यहाँ पे WDP4D जीतेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ एंट्री मार लेती है जो कि है गियर रेशियो। अब दोस्तों WDP4D का जो गियर रेशियो है वो ज़्यादा स्पीड के लिए सेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा और WDG4D पीछे रह जाएगा। वहीं अगर बात सामान खींचने की आएगी तो WDG4D जीत जाएगा, लेकिन जो WDP4D है वो ज़्यादा सामान नहीं खींच पाएगा। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये गियर रेशियो क्या होता है, तो दोस्तों हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मगर मैं आप लोगों को इसका रफ आइडिया दे दूँ कि जो गियर रेशियो होता है वो ट्रैक्शन मोटर के ड्रिवन गियर और जो लोकोमोटिव में ड्राइवर गियर होता है उसके बीच का रेशियो होता है, जिसे हम बदल कर किसी भी लोकोमोटिव का जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट है उसे बदल सकते हैं, उसे ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि जो WDG6G है और SD90 MSE लोकोमोटिव है, दोनों ही 6000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव थे, लेकिन WDG6G सिर्फ 570 किलो न्यूटन, वहीं SD90 MSE 890 किलो न्यूटन तक का जो स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट है वो जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गियर रेशियो है वो काम आता है, और साथ ही दोस्तों ये अलग बात है कि SD90 MSE में थोड़ी ज़्यादा ताकतवर और बड़ी ट्रैक्शन मोटर्स यूज़ की गई होंगी, लेकिन यहाँ पर गियर रेशियो का भी एक बड़ा रोल होगा उसे इतना ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट प्रदान करने में। तो दोस्तों यही था एक लोकोमोटिव की हॉर्स पावर, उसके ट्रैक्टिव एफर्ट और उसके वेट के बीच का रिलेशन। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत लगी है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को आसान शब्दों में आपके लिए मुझे सेट करने में, और साथ ही दोस्तों रिकॉर्डिंग करने में तो 3 से 4 घंटे चले गए हैं मेरे, और पंखा बंद करके करना पड़ा है तो काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ दोस्तों भूलिएगा मत, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा।